हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फूड टूर द फेमस वाराणसी स्ट्रीट फूड, सम ऑफ देम आर रनिंग फॉर मोर देन 100 इयर्स। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच आउट लास्ट एपिसोड। टुडे इन लास्ट एपिसोड आई एम गोना शो यू हाउ माय जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाराणसी। विल एक्सप्लोर दी घाट्स एज वेल एंड ट्रस्ट मी यू गोना लव इट। सो मैं करता हूँ अपनी पैकिंग स्टार्ट एंड फिर लेता हूँ मेट्रो। मेट्रो लेने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आ जाता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और ये वंदे भारत खड़ी होती जो 3 बजे चलेगी यहाँ से एंड 11:10 पर आपको ड्रॉप करेगी वाराणसी जंक्शन पर। महज 8 घंटे में हम होंगे बनारस, और ये मैं बाहर का थोड़ा व्यू लेता हूँ और ये हम आ जाते हैं वाराणसी जंक्शन। ट्रेन अपने टाइम पर थी गाइस। यहाँ 12 से स्वागत होता है सभी का, बट लकीली बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद। उसके बाद मैं कैप्चर करता हूँ वाराणसी जंक्शन स्टेशन को और अपने आप को भी उसके साथ। फिर लेता हूँ ई रिक्शा हॉस्टल के लिए। ये मैं आ जाता हूँ हॉस्टल जो सिर्फ 1 नाइट के लिए बुक्ड था, और वो भी मेरी गलती की वजह से। और वो गलती थी मेरी बनारस आने की एक्साइटमेंट में मैं देखता ही नहीं हूँ कि मेरी बुकिंग नेक्स्ट मंथ की हो जाती है। बट लकीली मुझे 1 नाइट का स्टे मिल जाता है एंड मैं नेक्स्ट हॉस्टल बुक कर लेता हूँ। ये है मेरा न्यू हॉस्टल लिव फ्री हॉस्टल जो 80 घाट के पास में ही है। चलते हैं अंदर, और सच्ची बताऊँ यहाँ की वाइब भी अच्छी है। ये है मेरा डॉर्मेटरी रूम। तो फ्रेशन अप होते हैं, निकलते हैं घाट्स एक्सप्लोर करने, और आपको भी दिखा देता हूँ कैसा है मेरा डॉर्मेटरी। ये मैं लेता हूँ बोट 80 घाट से एंड ये हो जाती है घाट की स्टार्टिंग यहीं से, और नीचे आपको साइड से पता चल जाएगा कि कौन से घाट्स हैं। जैसे कि ये है भोसले घाट। वैसे यहाँ के हर घाट की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, बट डोंट वरी, मैं आपको ये हिस्ट्री बता के बोर नहीं करूंगा। तो एंजॉय कीजिए आप और सुकून से देखिए यहाँ के घाट्स। एंड यहाँ पर मैं बोट से उतर के आता हूँ मणिकर्णिका घाट पर, और यहाँ पर बैठता हूँ कुछ देर, और याद आती है मुझे अंश मिश्रा जी की एक कविता। जहाँ अमीरी राग बनती है, जहाँ गरीबी खूब महकती है, जहाँ गूंगे बहरे अंधे सब होते हैं, उस काशी का एहसास हूँ मैं। उठाओ नजरें, देखो मुझको मणिकर्णिका घाट हूँ मैं। जहाँ पर अंतिम याद होता है, जहाँ सिर्फ अपनों का साथ होता है, जहाँ पर कुछ सपने जलते हैं, जहाँ पर कुछ अपने जलते हैं, मृत्यु का भी गुमान हूँ मैं। उठाओ नजरें, देखो मुझको मणिकर्णिका घाट हूँ मैं। जहाँ सती का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसको शिव से प्यार हुआ था, जो घमंडी दक्ष से जन्मी थी, वो साक्षात आदि शक्ति थी, माँ सती की आखिरी याद हूँ मैं। उठाओ नजरें, देखो मुझको मणिकर्णिका घाट हूँ मैं। 84 घाटों में सबसे चर्चित हूँ मैं, जीवन मृत्यु से परिचित हूँ मैं। आओ बैठो निहारो मुझको, जी भर के ताड़ो मुझको, चिताओं का उन्मान हूँ मैं। उठाओ नजरें, देखो मुझको मणिकर्णिका घाट हूँ मैं। जहाँ लाशें चुकती ना है, जहाँ चिताएं बुझती ना है, जहाँ मसान होली खेलते हैं, जिसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं, इकलौता माँ शमशान हूँ मैं। उठाओ नजरें, देखो मुझको मणिकर्णिका घाट हूँ मैं। अगली सुबह सूर्योदय के साथ साथ मैं भी निकल जाता हूँ और घाटों को एक्सप्लोर करने, और सबसे पहले आता हूँ दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ आकर दीप प्रज्वलित करता हूँ और लेता हूँ आशीर्वाद गंगा मैया का। उसके बाद निकलता हूँ और आगे
और मेरी नजर पड़ती है रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर, जो उस समय मैंने आपको बोट से दीदार कराया था और अब करवाता हूँ पास से। इसकी भी अपनी एक मान्यता है और ये 9 डिग्री लीन टेम्पल है। फिर मैं आ जाता हूँ नमो घाट पर। ये लास्ट घाट है, ये काफी अच्छे से बनाया गया है। जैसे कि गंगा व्यू आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा ऊपर से देखने में। फिर मेरी नजर पड़ती है इन दो लड़कों पर जो डांसिंग वीडियो शूट कर रहे थे। वो देखकर मैं निकल जाता हूं क्योंकि ज्यादा कुछ कैप्चर करने को था नहीं। और ये मैं आ जाता हूँ 80 घाट पर अपने हॉस्टल जाने के लिए। आज कुछ बात करेंगे हॉस्टल वाले भैया से, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, तो जानेंगे हॉस्टल के बारे में। आप बताओ बनारस के बारे में। हर महादेव भैया, हर हर महादेव। बनारस से तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे और बनारस के लिए बस इतना ही कहूँगा कि न किसी सुरा सुंदरी ना पारस से होगी। सुरा कहते हैं शराब को, सुंदरी आप सबको पता है पारस यानी मोह माया धन दौलत जैसे। तो न किसी सुरा सुंदरी ना पारस से होगी, दुश्मन होगा जमाना और मोहब्बत सिर्फ बनारस से होगी। वाह वाह भैया, आपका नाम क्या है? शिवम नाम है भैया। और भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है भैया। भैया लिफ्ट्री हॉस्टल के बारे में कुछ बताओ ना, मतलब कहाँ पर है, कैसी क्या क्या ब्रांचेज हैं इसकी? लिफ्ट्री हॉस्टल के 3 ब्रांचेज हैं अभी। क्या कहाँ पे? एक सीबीसी केस में, मैक्लॉडगंज और वाराणसी। और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी, क्या सोचकर स्टार्ट किया था इसको? टू होस्ट अ गुड ट्रैवलर्स। पहली ब्रांच हमारी ऋषिकेश थी। अच्छा, और दूसरा बनारस, और फिर उसके बाद बैंगलोर। अयोध्या में खोलने का विचार है? विचार तो भैया बहुत कहीं भी है, अंडमान से अयोध्या सब जगह खोल देंगे। अयोध्या में खोलो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल विचार करा जाएगा, किया जा रहा है। और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है इसमें हॉस्टलर्स को? हॉस्टलर्स में देखो जो सोलो ट्रैवल्स होते हैं मेरी तरह, न्यू पीपल ओवर देयर, तो ऐसे ही कनेक्शन बन जाता है। अच्छा अच्छा, वी ऑल्सो डू अरेंज लाइक ट्रैक्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक क्राफ्टिंग एंड ऑल इन ऋषिकेश and MacLeodganj. In MacLeodganj we do treks and lots of other local tours and all. And what about Banaras? Banaras, यहाँ पे तो हमारा खाना कैफे गार्डन जो है हमारा वहाँ पे आइए, it's a very beautiful space. And evening का क्या रहता है? Evening we do have like thrice in alternative days we do have a movie night. Okay. And for 2 nights we do have a live music and all. So हमारी शाम ज्यादा सुहानी होती है। तो आज का मूवी नाइट का सीन है आपका? आज का मूवी नाइट का सीन है सर। क्या दिखाने वाले हैं आप? कॉमेडी मूवी रहेगी सर प्रोबेबली। अब नाम ढोल 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 राजपाल यादव की। चलिए शाम को मूवी एंजॉय करते हैं आपके साथ। श्योर श्योर श्योर, मिलते हैं आपसे। आज साल हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। और शाम को मैं आ जाता हूँ गंगा द्वार पर ये लेयर शो देखने और आप लोगों को दिखाने के लिए। गंगा उल्लेख सन 1930 में मोतीचंद जी ने किया था। जहां नेपाली घाट एवं ललिता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है, तो वहीं राजराजे बघार संपत्ति का भार पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन। इसको देखने के बाद मैं जाता हूँ अपने रूम पर और लेता हूँ पनीर रैप, और पनीर रैप खाते खाते एंजॉय करता हूँ ढोल मूवी और फिर निकलता हूँ अयोध्या के लिए। होप यू गाइज एंजॉयड दिस ब्लॉग। मिलेंगे एक नई बनारस की सीरीज के साथ कुछ समय बाद। तब तक प्लीज शो योर लव टू ऑल दी एपिसोड्स ऑफ बनारस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू। इफ यू आर न्यू देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइज। थैंक्स इन एडवांस। मिलते हैं अयोध्या में एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर एंड हर हर महादेव।